ये क्या, अब अनुपमा भी शो छोड़ने की तैयारी में? कहा जा रहा है कि शो को नई लीड मिलने वाली है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि शो में 15 साल का लीप लाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में शो में डिम्पी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री शो से एग्जिट हो सकती है। कहा जा रहा है कि शो की कहानी किंजल की बेटी यानी सोन परी की फ्रूटी के इर्द गिर्द घूमेगी, लेकिन इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। शो के दमदार कैरेक्टर ने शो को पहले ही अलविदा कह दिया है और इसके पीछे अटकलें लगाई जा रही थी कि रूपाली गांगुली के साथ अनबन के चलते इन कैरेक्टर्स ने शो को अलविदा कहा, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आपको काव्या की इन बातों से अंदाजा लग जाएगा सुनकर। हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में मदालसा ने अनुपमा को डबल फेस्ड कहा। अब मदालसा ने इसकी वजह भी बताई। दरअसल उन्होंने कहा कि सेट्स पर कई चीजें हो जाती हैं, कई बार इंसान सामने से कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और। मुझे एक टाइम पर पता चला कि मेरे पीठ पीछे बातें ठीक तरह से नहीं की गईं, जो मुझे हर्ट हुई, लेकिन बाद में सब ठीक भी हो गया। वही मदालसा से पूछा गया कि क्या रूपाली गांगुली उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो इसके जवाब में वो बोली नहीं और कहा कि रूपाली दोस्त और साथ काम करने वाली थी। लास्ट में उनसे पूछा गया कि वो रूपाली को मिस करेंगी, इसके जवाब में उन्होंने पहले कहा ना, फिर बोली कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बाकी सबको याद करूंगी, स्पेशली रूपाली को याद नहीं करूंगी। वही कास्टिंग काउच पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब कोई कास्टिंग काउच के लिए अप्रोच करता है तो सबसे पहला सवाल होता है कि शाम को क्या कर रही हो, डिनर पे मिलते हैं। उन्होंने बताया उनके साथ बहुत नहीं हुआ क्योंकि उनकी माँ उनके साथ थी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।